कि हमने कानपुर में उसको एडमिट कराने का प्रयास किया और गवर्नमेंट की व्यवस्था के अनुसार वहां पर सारा सब कुछ मेडिकल कॉलेज में फुल था, वहां बेड नहीं थे। प्राइवेट में जब हमने व्यवस्था कर ली तो वहां के ACMO ये बताते हैं कि भी मैं करा रहा हूँ, डॉक्टर्स ये बताते हैं कि ऐसी व्यवस्था है कि बिना CMO के लिखे हुए हम एडमिट नहीं कर सकते। ऐसे करने में दो चार छह घंटे बीत जाते हैं, इमरजेंसी के मरीज के सामने बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है। रविवार को 2,250 नए मामले सामने आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अधिकारियों को फटकार भी लगाई कि संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही ना बरतें। लेकिन अधिकारी कहां सुनते हैं, प्रदेश की हालत गंभीर होती जा रही है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक विधायक का ही कहना है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव सदर से पंकज गुप्ता विधायक हैं। कोरोना के बीच उन्होंने हर रास्ता नापा है ताकि सैनिटाइजेशन हो जाए, लोग सुरक्षित रहें, जरूरतमंदों को राशन मिलता रहे, कोई संक्रमित ना हो। लेकिन विधायक पंकज गुप्ता को अपने ही अधिकारियों ने हरा दिया है। पंकज गुप्ता कहते हैं, नहीं लिखना चाहता था क्योंकि लगता था कि कहीं यह सरकार के खिलाफ मैसेज ना हो जाए। सरकार तो हर संभव काम कर रही है लेकिन अधिकारी सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं। अब जरा पंकज गुप्ता की फेसबुक पोस्ट पढ़ लीजिए, समझ आता है कि सरकारी कुर्सी से सटे अधिकारी कितने बहरे हैं, जो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है महामारी से होने वाली मौतों से। पंकज गुप्ता ने लिखा है, मैं कल से सोच रहा हूं कि कुछ लिखूं पर कुछ कारणों से नहीं लिखा, किंतु लिखता हूं क्योंकि यह मेरा दायित्व है कि जनता तक सीधी जानकारी जाना चाहिए और सभी को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या VIP हो। मित्रों, कल हमारी एक कोरोना फाइटर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की कोरोना एवं इलाज समय से ना मिल पाने के कारण मृत्यु हो गई। मैं स्वयं इसका गवाह हूं। कल दोपहर को गिरजाबाग निवासी उन्हीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पुत्र देवेश निगम जी का हमारे पास फोन आया कि मेरी माताजी की हालत खराब हो रही है, उन्हें कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर रहे हैं। वहीं पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि वहां जगह नहीं है। मैंने खुद CMS ऋचा गिरी जी को फोन किया, उन्होंने असमर्थता जताई तो मैंने प्राइवेट अस्पताल नारायणा फोन किया जो नहीं उठा, फिर GTB फोन किया, वहां फुल था। फिर SP MK दीपक श्रीवास्तव जी से बात की, उन्होंने कहा कि आप भेज दो पर कानपुर के CMO या अन्य किसी से कहलाना पड़ेगा क्योंकि यह नियम है। मैंने तत्काल CMO कानपुर को फोन किया, उनका कल ही ट्रांसफर हो गया था, कहा गया ACMO से बात करें। फिर हमने ACMO AK सिंह को फोन किया, उन्होंने कहा यह काम मैं नहीं ACMO सुबोध यादव देखते हैं। तब मैंने ACMO सुबोध यादव को फोन किया, उनको पूरी बात बताई, उन्होंने कहा मैं कहता हूं लेकिन हुआ कुछ नहीं। इस पर फिर मैंने कई बार फोन किया पर उन्होंने फोन नहीं उठाया और काटते रहे। इसी बीच 2 घंटे बीत गए और उनकी मृत्यु हो गई। वहीं दूसरी ओर मेरे मित्र जसमीत अरोड़ा और उनके परिवार को कोरोना हो गया, उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई और PGI भेजने के लिए कहा। मैंने बात की तो कहा गया कि बेड की शॉर्टेज है, परिवार का हो तो भेज दें। खैर वहां यह बताकर कि परिवार के हैं एडमिट हो गए। ये बातें मैंने इसलिए लिखी क्योंकि अब स्थिति नियंत्रण के बाहर हो रही है, हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है और ऐसी स्थिति में हम सब क्या कर सकते हैं सुझाव भी दें और जनता को जागरूक भी करें। इन व्यवस्थाओं के बाद पंकज गुप्ता के जहन में एक गहरी टीस है, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। पंकज जी, आपने एक पोस्ट डाली है जिसमें आपने उस बात का जिक्र किया है कि किस तरह से अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, कोरोना वायरस के बीच पेशेंट को एडमिट नहीं किया जा रहा है, पेशेंट की एक मौत हो गई जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? बड़ा दुर्भाग्य है माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और सभी लोग, आम जनमानस भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए लगातार तत्पर है और सहयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासनिक कमियों के कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना आम जनमानस को करना पड़ रहा है। मेरे साथ भी ऐसी घटना कई बार घटित हुई लेकिन लास्ट जो हमारी घटना इस प्रकार की हुई जिसमें एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हमारी थी उसकी मृत्यु हो गई दुर्भाग्य से, सिर्फ इसलिए मृत्यु हुई इसी नियमों का हवाला देकर उसको एडमिट नहीं किया गया, उसको बेड नहीं मिल पाया। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो हमारे लिए जान देने को तैयार है, रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, उनका भी अगर प्रॉपर समय में हम लोग इलाज ना करा पाए तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासनिक व्यवस्था में कमी दिखाई देती है, होल दिखाई देता है। हमने घटना के बारे में विस्तार से लिखा है, शासन ने, सरकार ने बहुत सारे शासनादेश जारी किए, अप्रवासियों के लिए रोजगार देने के लिए, राशन पहुंचाने के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए, बंदी के लिए, पुलिस चेकिंग मास्क के लिए, बहुत सारे,
और हम लोगों ने भी व्यक्तिगत स्तर से बहुत सारे काम किए, लेकिन उनमें होल दिखाई देता है जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। हमने देखा है कि जहां पर आइसोलेशन है वहां पर स्पष्ट रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है रिटेन में शासना देश है कि 3 बार डॉक्टरों को चेकिंग करनी चाहिए। हम लोग जबरदस्ती जब एडमिट कराते हैं लोगों से निवेदन करके डॉक्टरों से, तो 1 बार भी 24 घंटे में कोई झांकने तक नहीं जा रहा है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, राशन नहीं पूरा मिल पा रहा है, जो प्रवासियों को राशन मिलना चाहिए था हमारे स्टेट में रहने वालों को उनको भी आज तक नहीं पहुंचाया गया। पूरे लोग जो प्रवासी हमारे प्रदेश में आए थे हमारे जनपद में उनको भी आज तक राशन नहीं दिया गया। और यहाँ तक कि आपने देखा होगा हमारी पोस्ट में कि जब हमने कानपुर में उसको एडमिट कराने का प्रयास किया और गवर्नमेंट की व्यवस्था के अनुसार वहां पर सारा सब कुछ मेडिकल कॉलेज में फुल था, वहाँ बेड नहीं थे, प्राइवेट में जब हमने व्यवस्था कर ली तो वहाँ के ACMO ये बताते हैं कि भी मैं करा रहा हूँ, डॉक्टर्स ये बताते हैं कि ऐसी व्यवस्था है कि बिना CMO के लिखे हुए हम एडमिट नहीं कर सकते। ऐसे करने में 2-4 घंटे बीत जाते हैं, इमरजेंसी के मरीज के सामने बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं। इतनी सख्ती के बावजूद, इतने नियमों के बावजूद, इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद भी हम लोग सही इलाज सही व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पा रहे, ये दुर्भाग्य हमारे लिए। इसकी पीड़ा भी हमको है, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और आज हमने तय किया है, अभी हमारे कई मित्रों का सुझाव भी आया हमारे फेसबुक के कमेंट से, हम लोग भी अपने जनपद में टीम 11 टीम 12 करके बनाएंगे जितने भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं उनकी निगरानी करने के लिए, और सिर्फ जनपद स्तर पे नहीं बनाएंगे, इसको हम तहसील लेवल तक ले जाके गाँव गाँव तक ले जाएंगे ताकि एक एक व्यक्ति को सही इलाज इस संक्रमण काल में मिल पाए। ये दुर्भाग्य है कि हम लोग ये व्यवस्था पहले सुनिश्चित कर लेते, लेकिन अभी भी समय है, अभी भी इसको नियंत्रित किया जा सकता है। आपके माध्यम से मैं लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि स्वयं भी वो जागरूक रहें।